हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ रामगढ़ में बगड़िया के नीचे एक बाज़ार लगता है, जो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए आप सब भी देखते हैं वहाँ क्या मिलता है, मुझे कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो अभी टाइम हो गया, 4 बज गया है और धूप भी है, लेकिन निकल जाएंगे क्योंकि आने में लेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं रामगढ़ और बगड़िया के सामने खड़े हैं। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत भीड़ है और यहाँ बाइक लगाने का जगह भी नहीं है। किसी तरह करके अंदर में हम लोग बाइक लगाए हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कितना भीड़ है। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री श्याम कॉम्प्लेक्स और ये अंदर जाने का रास्ता है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सब यहाँ पे मिलता है। और आप बाइक देख ही चुके हैं कितना लगा हुआ है। और अभी ईद लेकर के रोज़ा जो चल रहा है उसके लेकर बहुत भीड़ है और सभी दुकान में। यहाँ ये है ज्वेलरी शॉप, इधर लहंगा साड़ी, और ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हम लोगों को आंशु का ड्रेस लेना है, तो जिस दुकान से लेना है उसका नाम है सिद्धि विनायक। तो हम लोग ऊपर आ गए थे फर्स्ट फ्लोर में, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं नीचे। हाँ, तो ये इधर से नीचे जाएंगे, जस्ट बाहर से ही रास्ता है नीचे जाने का। और यहाँ पे एक दुकान है सिद्धि विनायक, तो चलिए उसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा दुकान सिद्धि विनायक। यहाँ पे सिर्फ ड्रेस ही मिलता है, मतलब और ड्रेस ऐसा कुछ नहीं मिलता है पार्टी वेयर, सिर्फ स्कूल का ड्रेस ही। तो हम लोगों को लेना था अंशु का स्कूल का ड्रेस, जूता शू सारा ड्रेस। तो एक सेट मिल गया, लेकिन एक सेट बोला 2-3 दिन बाद आएगा, तो फिर से हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ हर एक चीज़ मिल गया, अंशु का जूता, बैग, ड्रेस। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, सोचे यहाँ तक आए हैं तो अंदर हम लोग घूम ही लें, फर्स्ट टाइम आए हैं। हर एक चीज़ मिल रहा था। और ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, अभी ऊपर सेकंड फ्लोर भी है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या सब मिल रहा है। और अभी आरव सो रहा था, तो मैं एक हाथ से मोबाइल ली हुई थी और एक हाथ में आरव था। सही से वीडियो भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये बड़ा सा बगड़िया लिखा हुआ था और इसके चारों साइड दुकान थे। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर में ही हैं, नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड गए थे एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए। तो हम लोग तब तक आगे बढ़ गए कि चलिए देखते हैं इधर क्या मिलता है। और हमारे पीछे पीछे अंशु भी दौड़ते हुए आ गया। तो इधर का ब्यूटी पार्लर था और साड़ी यही सब का दुकान था। और हम लोग अब आ गए अंदर। तो इधर मतलब कि फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे सोचे चलो यहाँ तक आए हैं तो घूम लेते हैं। तो यहाँ मतलब कि हर एक चीज़ मिल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है जो इस बाज़ार में नहीं मिलेगा। और जितना भी दुकान है सब एक ही दुकान है, मतलब कि सारा का बिलिंग एक ही जगह होता है और हर एक जगह बगड़िया लिखा हुआ है। तो इधर देखिए कितना सुंदर लग रहा था देखने में, मतलब घर डेकोरेट करने के लिए हर एक चीज़ था, गेट पे लगाने के लिए, यहाँ तक कि मतलब बैठ के आसपास जो खिड़की के पास हम लोग लगाते हैं झूमर, वो पर्दा में बांधने वाला झूमर, हर एक चीज़ मिल रहा था। देख के ना मतलब बहुत अच्छा लगा बहुत, लेकिन लेने के लिए बहुत पैसा नहीं था। हम लोग देख देख के ही सिर्फ अपना मन बहला रहे थे, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना कुछ मिलता है, जैसे लग रहा था कि कुछ कुछ ले लूँ पूजा करने के लिए, थाली ले लूँ ये प्रसाद चढ़ाने के लिए, मतलब देख के ना मन पागल जैसा हो गया। छोटा छोटा टिफिन बॉक्स, मसाला रखने का दिया, मतलब बहुत कुछ था, इतना कुछ था ना कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ खरीदे। लेकिन
हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था और ये सब सोच के नहीं गए थे एक्स्ट्रा कुछ लेंगे, तो बस ऐसे ही हम लोग को लेना क्या था, कपड़ा सुखाने वाला क्लिप लेना था और ऐसे ही अंशु का ड्रेस, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग इस इधर आए ना तो देख के मन हुआ कि कुछ कुछ ले, बहुत कुछ लेने का इच्छा किया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ देखे और सोचे कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखेंगे तो दोबारा आएंगे तो कुछ कुछ घर डेकोरेट करने के लिए ले जाएंगे। मतलब बर्तन भी ना एक से एक सुंदर सुंदर लग रहा था ना, कि दो तीन, ये काला वाला जो सेट है ना वो मैं लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये काला वाला जो सेट है, मतलब पूरा डिनर सेट है। और हम मतलब सोच के तो नहीं गए थे ना, तो कुछ वैसा लेके जाते तक कप सब लेते, लेकिन ऐसे ही गए थे और देखा तो हम सोचे चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे। और ज़्यादा दाम भी नहीं था सामान का, ठीक था, मॉल से अच्छा था। तो हम सोचे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो किचन के लिए कुछ लेंगे। मतलब लकड़ी का भी बहुत कुछ बना हुआ था, एक लकड़ी का ट्रे था, इतना सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग देख के ही खुश हो के आ गए। और देखिए ये सब कितना सुंदर सुंदर घड़ी है, आरब घड़ी के पास से हट ही नहीं रहा था वो, ये सब देख देख के बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि आरा वैसे देखता है ना टिकटॉक टिकटॉक हिकरी डिकरी एक राइम से यूट्यूब में, उसमें घड़ी चलते रहता, वो सब देख के देख सकते हैं आरब कितना खुश हो रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो यहाँ से हट ही नहीं रहा था। और मुझे डर लग रहा था क्या कि मतलब कुछ गिर जाएगा घड़ी तो फूट जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, कहीं पर गए और कुछ हो गया तो सारा खुशी का मज़ा ही ख़राब हो जाता। और फिर हम लोग जा रहे हैं, इतना देखने के बाद हम लोगों का मन नहीं भरा और हम लोग थर्ड फ्लोर पे चले गए, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डोरमेट पर्दा बेडशीट बहुत कुछ था। फिर हम लोग वहाँ से आ गए सिटी स्टाइल, यहाँ सोचे कुछ डिस्काउंट होगा तो हम लोग अपने लिए कुर्ती लेंगे, आरब के लिए पैंट लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसमें डिस्काउंट था वो सब पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर भी एक ड्रेस पसंद आया मुझे भी और भाभी जी को भी, तो साइज का प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसको रख दी, उसका दूसरा साइज मिला भी नहीं। और आरब गाड़ी लिया और पूरे मॉल में लेट लेट के खेला, पूरा हाथ पैर पूरा गंदा कर लिया, और फिर भी नहीं एक ड्रेस ऐसा आया जो पसंद आया, तो फिर थोड़ा साइज का प्रॉब्लम था, फिर भी मैं ले ली, क्योंकि घर आके मन में होने लगता है ले लेते तो अच्छा होता। मेरे साथ अक्सर होता ऐसा होता कि कोई ड्रेस अगर हम छोड़ के आ जाते उसके वजह से मुझे बार बार टेंशन होते रहता है क्यों नहीं ले ली, ले ली तो ज़्यादा अच्छा होता। और इधर हो रहा है बिल पे, अगर आप लोग रामगढ़ आते हैं तो बगड़िया बाजार ज़रूर जाइएगा, वहाँ बहुत प्यारा प्यारा सामान मिलता है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।